गरीबों को जेल होती है, इंजीनियर और डॉक्टर भी दारू पीते हैं लेकिन गरीबों को जेल होती है। आईएएस और आईपीएस भी शराब पीते हैं। जीतन रमा जी का बड़ा बयान सामने आया है, जज महोदय को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है हम सुप्रीमो ने। जीतन राम मांझी ने कहा जज साहब भी शराब पीते हैं। बड़े लोग रात में 10 बजे के बाद शराब पीते हैं, यह बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने। गरीबों को सलाह भी दी है जीतन राम मांझी ने। बड़े लोगों की तरह लिमिट में शराब पिए, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। अगर पीना है तो रात में पीकर सो जाओ। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को एक बार फिर आधा दिखाया है। ये सभी बयान हम आपको सुनाएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये जीतन राम मांझी के बोल हैं। तो जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। बड़ा कंट्राडिक्टेड मामला है, इसको दूसरे ढंग से आप लोग छाल देते हैं जिसके चलते हमारी भद्र पिट जाती है। शराब बंदी ठीक है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन शराब बंदी के आड़ में दो प्रकार की नीति अपनाई जाती है। एक प्रकार की नीति है कि जो 250 मिलीलीटर या 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर जो पीता है उसको भी पकड़ करके इम्प्लीकेट किया जाता है, दारू लेकर के उसको केस किया जाता है, जेल में जाता है और बेल पर आता है। लेकिन दूसरे तरफ ये ओपन सीक्रेट है, कहीं कोई हमसे पूछे इसके लिए जितनी भी पड़ताना है हमको क्यों न दे। ये सत्य है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो धनवान हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेज हैं, ये सब लोग एक लिमिट अरसे में शराब पीते हैं 10 बजे के बाद, और वो अपना दुनिया कोई नहीं जानता कि वो पीते हैं। हम वही कहते हैं अपने गरीबों को कि क्यों पी करके इधर उधर करते हो, तुम लिमिट में पियो जैसे बड़े लोग पीते हैं। और पकड़ने की बात अगर आती है इसलिए कि तुम पी करके चौराहे पर घूमने लगते हो, इसीलिए लोग कहता है मुंह में ब्रेथलाइजर लगाता है और उन लोगों को ब्रेथलाइजर नहीं लगाता है, इसलिए उन लोगों से सीखो। और उसी रूप में रात में अगर तुमको कुछ लेना है तो ले करके सो जाओ, सुबह में अपना काम करो जैसे बड़े लोग करते हैं। अब सवाल है शराब बंदी है तो आप लोग जीतन राम मांझी का संदेश बयान आपने भी सुना। गरीबों को नसीहत दी है